तो दोस्तों हम जो है हो गए हैं रेडी और चलते हैं आज की ड्यूटी पर। तो दोपहर का टाइम है और लंच हो गया, तो अभी चलते हैं। डेढ़ डेढ़ बज चुका है, दो बज चुका है, डेढ़ बोल रहे हैं। तो अभी चलते हैं ड्यूटी पर और देख सकते हैं कि अपना रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं आप लोग को अपना ड्रेस व्रेस सब जूता था सब पहन लिए और चलते हैं ड्यूटी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो है हम ब्रिक मशीन जो है क्रेन की तरह होता है उसको फिट कर रहे हैं, तो आज इस ब्लॉग में आपको ये भी देखने को मिला है। चलिए अब चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आज के इस ब्लॉग में आपको ये चीज़ देखने को हम मिलेगा। चलते हैं अपने ड्यूटी पर। तो ये सारे देख सकते हैं कि हम कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं, फिर अपना कॉलोनी और यही है अपना ड्यूटी जाने का रास्ता। और देख सकते हैं इधर लोग नहा रहे हैं कॉलोनी में। चलिए चलते हैं अपना ड्यूटी की ओर। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि इधर जो है आरओ प्लांट लगा हुआ है, आरओ पानी फिल्टर करने के लिए। और हम जो है ड्यूटी चलते हैं। और भैया का जो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं दिखाऊं, ये जो भैया का ड्रेस है छूट गया है, तो मैं वो भी लेके जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे। ये रहा सीमेंट का टंकी, बोले आरएमसी प्लांट देख सकते हैं। और ये रहा हाइड्रा लगा हुआ, इधर भी एक ट्रेन लगा हुआ है। और यह बिल्डर लोगों का स्थान बिल्डिंग करने का। चलिए जो है हम दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आरएमसी प्लांट के होते हुए देख सकते हैं जा रहे हैं ड्यूटी की तरफ। चलिए आरएमसी प्लांट आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आरएमसी प्लांट का गाड़ी, और ये रहा हमसे आरएमसी, आरएमसी प्लांट का गाड़ी आ रहा है। और ये रहा अपना रास्ता जाने का। चलिए चलते हैं और अपना जो है काम आज है आप लोग को दिखलाएंगे। तो आज किस ब्लॉग में थोड़ा अलग और कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि यही मशीन है और जिसको हम लोग फिट करने वाले थे, तो हम लोगों ने इसे बड़ी ही आसानी से फिट कर लिया। लेकिन जो है इसमें 6-7 लोगों को हेल्प की वजह से जो है जल्दबाजी में हो गया, क्योंकि जो है 3 पार्ट में ये मशीन जो है खुलता है, ताकि जो है ये नीचे से कोई भी सामान को ऊपर ले सकता है। तो मैंने जो इसको बहुत ही आसानी से फिट कर दिया और कनेक्शन भी हो चुका है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यह जो बिग मशीन है इसी को जो है लगाया गया है। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा और इंटरेस्टिंग जरूर लगा हो, कि जो कि ये भी किसी भी प्रकार के पदार्थ को ऊपर ले सकता है, 2-3 तला बिल्डिंग के ऊपर। तो इस ब्लॉग में आपको आई होप कि वीडियो अच्छा इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा। दोस्त आज की इस ब्लॉग में हमने जाना कि कैसे जो है मशीन को फिटिंग किया गया। तो हमने जो है मशीन को फिट कर लिया था, क्योंकि जो है हमारे पास आदमी जो है मिल गया था, ताकि जो है जल्द से जो है मशीन को फिट करके चालू करना था। इसकी वजह से जो है मैंने मशीन को फिट कर लिया और चालू भी कर दिया था। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको मशीन दिखाया और बताया कि किस प्रकार से जो है मशीन 3 पार्ट में अलग अलग था, और इसे जो है मैं एक जगह इकट्ठा करके यानी कि जो है फिट करके जो है फिर से फिनिशिंग करके जो है एडजस्ट कर दिया और उसमें सप्लाई भी दे दिया। तो आई होप कि आप लोग के जो ब्लॉग में मैंने मशीन दिखाया, अगर आप लोग इस मशीन के बारे में जानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो से। तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।